हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के हम लोग केमिस्ट्री का लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज। अब सबसे अजीब बात है, लेसन 1 तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो जैसे जैसे हमारे लेसन और अलग अलग टॉपिक आते जाएगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसके लेसन 1 के, वो वहाँ पे मैं और अच्छे से क्लियर करते चला जाऊँगा। ठीक है, एसिड बेस और अगला लेसन मेटल और नॉन मेटल भी आएगा, वहाँ पे भी अच्छा खासा यूज है लेसन 1 का, तो और भी अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। अभी बैलेंस करना भी रिएक्शन को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, तो वो सब भी प्रैक्टिस के साथ और बेहतर होगा। चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं एसिड बेस और साल्ट होता क्या है। तो जैसे कि क्लास 8 में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ आते थे, तो मैंने उन लोगों को पहले ही बताया, जो एसिड वो जिसका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, हाँ सावा हो, और बेस वो जिसका टेस्ट बीटर हो यानी कड़वा हो। साल्ट का तो साल्ट सॉल्टी नेचर का होता ही है, ये तो आप जानते ही। तो ये तो टेस्ट की बातें थी जिससे हम डिफर कर सकते थे। दूसरी बात है, स्मेल में भी डिफर किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को उसी क्लास में बता दिया था पीएच पेपर के बारे में, पीएच पेपर के साथ साथ मैंने आपको लिटमस पेपर के बारे में भी बताया था, राइट। जो लिटमस पेपर भी जो इंडिकेट करता है, एक इंडिकेटर का काम करता है, और एसिड बेस में डिफर बताता है जो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं होता है, एसिड में क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है, और बेस में जस्ट अपोजिट हो। और ये सारे बातें तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी बताया था, तो यहाँ पे क्या स्पेशल है। एक और बात बताया था आपको यदि याद हो तो, जो एसिड हमेशा H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, हाँ बेस हमेशा OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। और इस लेसन में जाके देखेंगे जब दोनों आपस में रिएक्ट कर जा रहा है तो वो क्या रहा है, राइट। और ये बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत कुछ और भी हैं जो हमको जानना है इसी क्लास में। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड होता है क्या है और H प्लस रिलीज करने का मतलब क्या है। तो कोई भी जब एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करता है किसी खास सब्सटेंस से या किसी खास एलिमेंट से, तो वो एक अलग तरीके का नेचर का कुछ मैन्युफैक्चर करता है। जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ अभी एक नन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करता है। जब किसी नन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया जाए तो ये एक लिक्विड फॉर्म में एसिडिक नेचर का कुछ भी तैयार कर सकता है। मैक्सिमम केस में 90% केस होता है जब ये क्या तैयार करेगा, एक एसिड तैयार करेगा। कोई भी नन मेटल हो, यहाँ पे क्लोरीन के जगह पे आप फ्लोरीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, ये सारे के सारे, हाँ या फिर सपोज करो ऑक्सीजन मत ले लेना, नहीं तो वाटर बना देगा, राइट। वाटर तो नहीं बनाना है, नाइट्रोजन ले सकते हो, तो या कुछ भी बनाओ, यहाँ पे क्या बना देता है HCl, ये खुद एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF बनाता है, HI बनाता है, ठीक है H3N बनाता है, तो ये सारे के सारे तो एसिड ही हैं, राइट। तो ये सारे के सारे हमारे एसिड ही तो है, 90% केस में ये एसिड ही बनाएगा। तो अब ऐसे कंडीशन में ये H प्लस आयन रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, तो देख लो क्या हो सकता है इसका मतलब। आज बस इतना ही बताने वाले हैं, कुछ खास नहीं आज बात करेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर हमारा होने वाला है। देखो यदि हमारे ये सपोज दैट HCl का यहाँ पे सॉल्यूशन, अब यदि ये H प्लस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर एसिड के अंदर H और Cl, H प्लस और Cl माइनस में कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा होगा, तब तो H प्लस रिलीज हो रहा है, और ये Cl माइनस कहाँ जाता होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो, Cl माइनस जो है वो ग्राउंड लेवल पे ही आ जाता है और H प्लस रिलीज होने लगता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, हमेशा लगातार H प्लस रिलीज होते जा रहा है, Cl माइनस जो है वो इसी के अंदर डिजोल्व होते जा रहा है फिर से, तो ये चक्कर क्या है और किसको हम एसिड बोलेंगे क्यों, तो इस दोनों बात का आंसर यहाँ छोटा सा पार्ट से ही आ रहा है। जानते हो जब नॉन मेटल में जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे यदि आप जानते हो हाइड्रोजन के बारे में एक बात, जो ये खुद एक नॉन मेटल ही है बेसिक फॉर्म में, मैक्सिमम जगह ये नॉन मेटल की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे ये मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, जबरदस्ती का मेटल बना हुआ है। अब ये जबरदस्ती का रिश्ता तो बहुत लंबा टिकता नहीं, तो जैसे ही कॉन्ग पोजीशन में हम इसको रखते हैं तो ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर लेके H और Cl अपने अपने आयन में ब्रेक हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही आपस में ब्रेक हो जाता है। अब हाइड्रोजन के बारे में तो आप जानते हो, ये हमारे एलिमेंट का सबसे पहला मेंबर है,
जिसके कारण इसका साइज भी काफी छोटा है और ये हल्का भी काफी ज्यादा है, इसके कारण ये ऊपर उठना चाहता है। तो जैसे ही ये ब्रेक होता है आयन, हाइड्रोजन क्या होता है, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और यही बताता है, ये हाइड्रोजन का जो सेपरेशन है यही हमको बताता है कोई भी जो लिक्विड है वो एसिड है या नहीं। यदि हाइड्रोजन सेपरेट हो रहा है तो उसके अंदर मतलब एसिडिक नेचर होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन को, ये जो रिलीज हुआ हाइड्रोजन है उसको अपने अंदर डिजोल्व करवा लेते हैं। जैसे यदि आप NaOH का बात करो तो यहाँ पे हमने बात किया था OH- रिलीज हो रहा है। रिलीज होने का क्या मतलब है, क्या यहाँ पे भी OH- का पेपर बन जाएगा? नहीं, यहाँ पे रिलीज होने का मतलब है H+OH के साथ रिएक्ट करेगा और ये OH- अब हट जाएगा। अब ये दोनों मिलके एक नया चीज बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O वाटर बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे H+ आयन यानी एटमोस्फियर से ये H+ आयन को ले रहा है और खुद ही ये डिजॉल्व हो रहा है। यदि आप देखोगे NaOH का यदि पाउडर है और उसको आप कुछ ज्यादा टाइम तक नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिए तो वो भींगा भींगा सा नजर आ सकता है। ऐसे ही आप शैम्पू और साबुन के साथ भी देखते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो होता क्या है, Na, अब ये तो Na क्या प्लस में और OH- में कन्वर्ट ब्रेक हुआ था। अब देख लो, खुद देख लो, जैसे ही OH- है OH- H के साथ जुड़ के H2O तो बना दिया, लेकिन ये N+ क्या करेगा, हमेशा H2O को अपने से दूर धकेल लेगा। काय धकेलेगा, इसके पास OH है और OH तो बीच से ब्रेक होके दूर ही तो गया था। तो इस कारण ये NaOH जो है वो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे OH- रिलीज नहीं हो रहा है लेकिन अलग थलग हो रहा है। OH- बस NaOH से अलग हो जा रहा है। तो ये जो पार्टिसिपेट हो रही है तो इसी को हम लोग रिलीज होना बोलते हैं, यानी लिक्विड के अंदर ही यहाँ पे रिलीज होगा, बाहर नहीं जाने वाला। तो इसी रिलीजमेंट को यानी OH- रिलीज करे, या फिर आप बोल दो H+ को एक्सेप्ट करे, या फिर एसिड के बारे में बोलना है तो बोल सकते हो H+ रिलीज करे। तो इस सारे के केस में ये एसिड क्या लाएगा, जो H+ रिलीज कर रहा है, और जो H+ गेन कर रहा है या OH- पार्टिसिपेट करा रहा है, रिलीज करवा रहा है, वो हमारा बेस क्या लाएगा। तो ये तो हमारा बेसिक डिफर हो गया। आगे आने वाले क्लास में हम लोग और भी चीज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।